आपने कभी स्पाइडर वेबिंग के बारे में सुना है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर डे टू डे स्पाइडर्स एंड देयर वेब्स. नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पाइडर वेबिंग इन अ रिलेशनशिप एंड हाउ टू कीप द अदर पर्सन ट्रैप्ड इन अ रिलेशनशिप. दिस इज कॉल्ड स्पाइडर वेबिंग. इट इज लाइक डिलिबरेट वेब ऑफ डिसीट एंड मैनिपुलेशन. और ये बहुत सारे लोग करते हैं. बहुत सारे लोगों में ये जानबूझ के होता है या अनजाने में उनको ये उनके पास ये हुनर होता है, आई वुड से स्पाइडर वेबिंग का. और ज्यादातर औरतें, यंग लड़कियां इसमें फंसती हैं ज्यादातर, लेकिन मैंने मर्द भी फंसते हुए देखे हैं. तो किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते, ब्लेम गेम नहीं कर सकते, बट दिस इज इट. अभी हमें देखना यह है इसमें बेसिकली क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ. एक तो जो स्पाइडर वेबिंग लोग करते हैं इसकी बेसिक क्या होती है, दे हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दे हैव ट्रॉमा, पीटीएसडी होता है इनका. इनकी कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी होती है, और कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी जो होती है वो टू द डिग्री ऑफ नार्सिसिज्म होती है. तो ये तो है इनके बेसिक ट्रेट्स. अब हम आते हैं डिटेल में कि ये वॉट इज इट. तो अगर आपको किसी को देखना हो या किसी को जज करना हो कि वो स्पाइडर वेबिंग आपके साथ कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ये देख लें कि इज ही और इज शी टू गुड टू बी ट्रू, टू गुड टू बी रियल. क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं जो बहुत ज्यादा ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं आपके साथ, और आपका लव मैं कर दूं, लव ये हो जाए, लव वो, आपको इतना ज्यादा ओवर पावर कर लेते हैं. और इंट्रोवर्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा इसमें फंसते हैं, क्योंकि वो इतनी जल्दी ओवर पावर हो जाते हैं कि वो आपको, इसको कहते हैं लव बॉम्बिंग या बिहेवियर बॉम्बिंग. तो वो करके आपके इवेंचुअली जो होता क्या है कि बाद में वो आपको दे ड्रॉप यू लाइक अ हॉट पोटैटो. तो आपको समझ नहीं आती है कि आपके साथ हुआ क्या है. तो ये इनका सबसे पहला रेड फ्लैग है. इसके अलावा ये है कि इनका यही इसी बात से दोबारा आगे बात चलती है कि इनकंसिस्टेंट बिहेवियर होता है. तो इनकंसिस्टेंट इसलिए होता है कि हॉट हॉट, हमारे जर्मन में कहते हैं हॉट हॉट मॉर्गन हुट. इसका मतलब है कि आज गर्म कल ठंडा. आज आपके साथ इतने ज्यादा फ्रेंडली, आज आपका बेस्ट 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 ऑफ फ्रेंड्स बीएफएफ हो गए, और कल आपका फोन ही नहीं सुन रहे. तो ये जो है ना इनकंसिस्टेंसी इन बिहेवियर, ये इन लोगों में बहुत ज्यादा होती है. और दूसरी चीज जो बहुत इस किस्म के लोगों से आपको अपने आप को होशियार भी रखना चाहिए, और जो ये लोग यूज करते हैं दैट इज दैट दे यूज योर इंफॉर्मेशन एज बिहेवियर, सॉरी एज योर इंफॉर्मेशन एज वेपन, आई एम सॉरी, वेपन के तौर पे आपको यूज करते हैं. आपने दोस्तों में होता है अक्सर, दोस्त एक दूसरे को बता दिया मैंने ये किया ये किया, या मुझ में ये खामी है, मुझ में ये कमी है, मैं ऐसे नहीं कर सकता, या मैंने उससे झूठ बोला था. इवन छोटी बातें भी जो आप इंफॉर्मेशन, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज अपनी कोशिश करके इन्फॉर्मेशन किसी को मत दीजिए. तो ये लोग करते क्या है, दे यूज योर इन्फॉर्मेशन एज अ वेपन अगेंस्ट यू कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, तुम्हें तो ट्रॉमा है. अगर आपने उनको बता दिया कि आपको किसी ने बिट्रेल दिया, लड़कियां अक्सर इस तरह की, ये लड़कियों लड़कियों में भी होता है, फ्रेंड्स में भी होता है कि आपने एक अपनी फ्रेंड को बता दिया कि मुझे फलां लड़के ने धोखा दिया, या तो बाद में वो आपको एज अ वेपन आप यूज करेगी कि तुम तो, तुम्हारा तो जो है वो तुम्हें बिट्रेल ट्रॉमा है. तो वो इस तरह की बात है. एंड देन दे विल स्टार्ट लेबलिंग यू कि तुम्हें तो, तुम तो ऐसे ही करती हो, यू आर ऑलवेज लाइक दिस, एंड यू नो इस तरह करके. तो ये इन लोगों की आदत होती है. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनकी ये बहुत ज्यादा आदत होती है जिससे आप इनको फौरन पहचान सकते हैं, वो ये कि दे ब्रैग अबाउट देमसेल्व्स अ लॉट. ब्रैग करते हैं, और ये भी ब्रैग करते हैं कि हमने दूसरे इंसान को मैनिपुलेट कैसे किया. तो यू जस्ट हैव टू कीप द एयर ओपन अपने फ्रेंड्स के साथ भी, और रिलेशनशिप्स में भी, फ्रेंड्स में भी, कोई भी रिलेशनशिप हो, कीप योर एयर्स ओपन कि आपके साथ लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, आपको लोग किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं. The way you let other people treat you, you are teaching them how to treat you. So put your foot down. अगर आपको कहीं लगता है, किसी भी relationship में अगर आपको लगता है कि आपको manipulation हो रही है या आपको misuse किया जा रहा है, तो put down your foot and don't let yourself be misused. I hope this helps somebody. Till then, जीवन परदेसी, मिलते हैं सरों.